जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग खूबसूरत लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है खूबसूरत लिमिटेड, नाम तो काफी बढ़िया है। देखते हैं कंपनी कैसी है, इसकी एनालिसिस करेंगे, समझेंगे क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें अपनी होल्डिंग्स को आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफी दिनों से स्टॉक आपको एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ दिखेगा, जिसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस समझिए कि एक प्रकार से ठहर सा गया है। ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। हालांकि नीचे ना आए ये बढ़िया बात है, भले ही ऊपर ना जाए, लेकिन समझेंगे कि हम जब किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे एक दिन में तकरीबन 3% के आसपास तेजी आपको देखने को मिली है। ऐसा तेजी सिर्फ एक आध दिन से काम नहीं चलेगा, ये तेजी कंटिन्यू कुछ दिनों तक बने रहना चाहिए, तब मजा आएगा। तो खूबसूरत लिमिटेड का हम लोग खूबसूरती से इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो क्या करना है, नहीं है तो कहाँ पे बाई कर सकते हैं, और सबसे जरूरी सवाल बाई करना भी नहीं करना है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। देखिए 1982 ईस्वी में जब से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद से ही कंपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगी हुई है, यानी कि जो काम हम लोग कर रहे हैं ये कंपनी भी करती है। लेकिन कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो खासकर फाइनेंस के सेक्टर की कंपनियां होती हैं वही इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो बड़े पैमाने पर करती है और उनके पास फंड मैनेजर और एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं तो उनके पैसे को मैनेज करते हैं। तो ये कंपनी का काम हो गया, काम काफी बढ़िया है। देखिए काम जो कंपनी का वर्क है, वर्क के बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के लॉन्ग टर्म में चांसेस रहेंगे। लेकिन सिर्फ काम देख के हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसी कंपनी में, इसके लिए हमें कंपनी का फंडामेंटल भी एनालिसिस करना होता है। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल सब चीजों को समझते हैं। फंडामेंटल में सबसे पहले देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है आपको तकरीबन 61 करोड़ 80 लाख के आसपास दिखेगा, यानी कि 62 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। अगर 100 करोड़ से ऊपर इस कंपनी का वैल्यूएशन होता तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं सामान्य तो उसी स्टॉक को चुनता हूँ जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ कम से कम हो। इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन कम है, हालांकि जिस हिसाब से शेयर प्राइस में तेजी आ रही है और अगर कुछ दिनों तक आई तो हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ के आसपास टच कर जाए, फिर मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। स्टॉक का पी देखेंगे तो 441 के आसपास, यानी काफी महंगा वैल्यूएशन पर अभी स्टॉक मिल रहा है। इतने महंगा वैल्यूएशन पर अभी नया व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि चार्ट पर लेवल देखेंगे, सही लेवल निकल कर आएगा तो हम जरूर सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतने महंगे पी के हिसाब से सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी निगेटिव में नहीं है, बढ़िया बात है, थोड़ा कम है लेकिन चल जाएगा, क्योंकि पहले स्टॉक का आरओई देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स का तो माइनस नहीं होता है, यहाँ पर प्लस में, ये बढ़िया बात है। शेयर प्राइस भी बुक वैल्यू से बढ़िया बात ज्यादा है, ये भी अच्छी बात है। यानी ओवरऑल फंडामेंटल में देखेंगे तो कुछ चीजें बेहतर नजर आई और कुछ फंडामेंटल को हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, यानी कि एक साल का चार्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं, कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, आपको दिखेगा कंपनी का शेयर प्राइस काफी जो जहां से प्राइस उठा था उसी लेवल में नीचे आ गया था फिर, लेकिन बहुत जल्द इसी लेवल से ऊपर निकला। एक बात स्पष्ट है कि इस रेंज में अब प्राइस नीचे नहीं आने वाला है, आता भी है तो प्राइस फिर जल्दी से बाउंस बैक कर जाएगा। अब क्या है कि प्राइस ऊपर निकल के फिर से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों तक रेंज बाउंड में नहीं रह सकता, उसे जरूर बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलेगा तो प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि रेंज बाउंड से निकलने के बाद 90% चांस होता है प्राइस के ऊपर जाने का। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकला रेंज बाउंड को तोड़ के ऊपर गया, यहाँ पर रेंज बाउंड से निकला ऊपर गया, तो यहाँ पर भी जब रेंज बाउंड को तोड़ के प्राइस निकलेगा तो ऊपर ही जाएगा, और ये कम से कम जो प्रीवियस हाई है इसके डबल तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि 4 से 5 रुपए तक आपको शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस जाते हुए दिखेगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में नहीं है, प्राइस जो कंपनी का चार्ट है वो अभी अप ट्रेंड में है, और जब अप ट्रेंड में होता है तो शेयर्स को बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि नए व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, जो नया व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो जब से इस कंपनी का शेयर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकले, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ जो इस रेंज में फंसा हुआ है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि चूंकि यहाँ से ऊपर निकलेगा तो प्राइस इजीली आपको 4-5 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। तो इतना तक का आप बुकिंग, इतना तक का जैसे मैंने बताया कि आप इसमें क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए इस स्टॉक में जा सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट अभी इस स्टॉक में मत कीजिएगा। कंपनी का जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमें पता लगता है कि कंपनी के पास जो डेप्ट है जिसको बोरो कहते हैं, वो पिछले कुछ क्वार्टर में नहीं था, लेकिन अचानक से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में देखेंगे कि 3 करोड़ 46 लाख के आसपास कर्जा बढ़ा है, यानी कि कर्ज इस कंपनी के पास अब बढ़ रहा है, ये चिंता की बात है। और जो फ्री कैश फ्लो होता है, जो रिजर्व पैसा, वो देखें यहाँ पे कम हो गया पिछले कुछ क्वार्टर की तुलना में देखें तो। यानी कि फंडामेंटल जैसे मैंने शुरू में कहा कि मार्केट कैप के हिसाब से मैं देखता हूँ, मार्केट कैप कम है, पीई ज्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये दो चीज भी निगेटिव मुझको लगा। ओवरऑल बात करें तो करना क्या है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें देखिए कौन कौन है, प्रमोटर्स बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है,
और जो मेजर हिस्सेदारी है वो किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो पेनी स्टॉक में खैर प्रमोटर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का फंडामेंटल है वो बेहतर होना चाहिए। तो मैं पर्सनली जब तक इस कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ को पार नहीं करता है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। और भी तमाम चीज फैक्टर्स मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगे, फंडामेंटल की बात करूं, बाकी टेक्निकल और कंपनी का जो काम धाम है तो बढ़िया है, लेकिन फंडामेंटल अगर और बेहतर हो जाता तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। तो उम्मीद करता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब भी और नहीं है तब भी, तो अगर फिर भी कोई मन में सवाल है कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।